हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आपके सामने क्या है, ये रिले जो है वाटर डिस्पेंसर में यूज होती है और कुछ ये डीप फ्रिज होते हैं उनमें भी यूज होती है। तो इसमें क्या है, दो कैपेसिटर का यूज होता है, एक तो रनिंग कैपेसिटर का यूज होता है प्लस एक स्टार्टिंग कैपेसिटर का यूज होता है। तो इसमें क्या है, दो कैपेसिटर का यूज होता है, एक हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर रहता है, दूसरा हमारा रनिंग कैपेसिटर रहता है। ठीक है, तो इनमें जो कनेक्शन करना है, स्टार्टिंग कैपेसिटर कहाँ अटैच करते हैं प्लस रनिंग कैपेसिटर कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो कनेक्शन है तो आप इजीली तरीके से कर सकते हैं अगर इस वीडियो को आप पूरा वॉच कर लेंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये दो पॉइंट है, ठीक है, ये दो पॉइंट है आपस में अटैच है, ये दोनों पॉइंट आपस में अटैच है। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा अलग है बिल्कुल ही, और ये पॉइंट देख रहे हैं आप, ये वाला, ठीक है, ये इससे अटैच है, ये आप देख रहे हैं, ये वाला जो पॉइंट है ये यहाँ से ये अटैच है। ठीक, तो इसमें क्या है, दो कैपेसिटर का यूज होता है, एक तो हमारा होता है स्टार्टिंग कैपेसिटर जो 80-120 mFD का होता है, और प्लस एक होता है 80-100 mFD का। ठीक है, तो दो कैपेसिटर यूज होते हैं जो स्टार्टिंग कैपेसिटर होते हैं। ठीक है, तो एक तो हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर हो गया प्लस दूसरा जो होगा वो हमारा रनिंग कैपेसिटर यूज होगा। तो ये दूसरा कैपेसिटर ये हमारा है रनिंग कैपेसिटर। ठीक है, ये 6 UF का, तो ये क्या है, ज़्यादातर ये 10 UF का है, ये ज़्यादातर यूज होते हैं, वाटर डिस्पेंसर होता है उनमें होता है और जो डिफ्रीजर होते हैं उनमें यूज होता है। तो सबसे पहले मैं क्या है कनेक्शन आपको इसमें करके दिखाता हूँ रिले के। ठीक है, सबसे पहले क्या है, लाइन न्यूट्रल हमें लेना है। ठीक है, फेस वाला वायर यहाँ पर लगेगा। ठीक, ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर, इसमें क्या है फेस वायर आएगा। तो सबसे पहले मैं फेस वायर लगाता हूँ, फिर उसके बाद जो हमारा रनिंग वाला जो कैपेसिटर है उसको हम कहाँ पे कनेक्शन दे सकते हैं और उसका जो स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है वो कहाँ पे कनेक्शन होते हैं, इसी तो आपको क्या है बस वीडियो को पूरा वॉच करना है। तो ये जो वायर है ये आप देख रहे हैं, ये हमारा फेस का वायर है। ठीक है, इसमें क्या है, मैंने एक वायर अटैच कर लिया है जिससे कि मैं जो है इसके रनिंग वाला जो कैपेसिटर है उसमें इस वायर को दे सकूं, तो इसलिए मैंने ये वाला वायर इसमें अटैच कर लिया है। तो यहाँ पे क्या है, हमें फेस वायर देना है, फेस वायर हम ध्यान रखें यहाँ पर देना है। ठीक है, फेस वायर आप यहाँ दे सकते हैं और प्लस अगर चाहें तो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं रनिंग कैपेसिटर के लिए, वरना इसका स्क्रू ओपन करके यहाँ पर वायर को अटैच भी कर सकते हैं। तो ये मैंने क्या है फेस वायर दे दिया प्लस, अब यहाँ पे क्या करना है, ये वाला जो है रनिंग कैपेसिटर है, ठीक है, 10 UF का है। तो सबसे पहले क्या करना है, ये वाला जो हमने वायर अटैच किया है, ये वाला जो वायर अटैच किया है, ठीक है, इस वायर को हमें इस वाले पॉइंट पे दे देना है। तो एक जो हमने रनिंग कैपेसिटर का यूज किया है, एक वायर हमने यहाँ पर अटैच कर दिया। ठीक है, ये एक ही वायर है ब्लैक वायर, ये वाला अटैच कर दिया। दूसरा वाला जो वायर है हमें इस वाले पॉइंट पे देना है। अब एक चीज का ध्यान रखना है, दूसरा वाला जो पॉइंट देंगे वो 1 नंबर पे देंगे, ये जो है 1 लिखा है यहां पर देना है आपको, ये यहां पर अटैच कर देना है। ठीक, अब यहां पे क्या है, जो कनेक्शन हुए वो हमारे कैपेसिटर रनिंग कैपेसिटर के कनेक्शन हुए। अब जो तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं रनिंग वाला जो कैपेसिटर हमने उसकी कनेक्शन दे दिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये वाला जो वायर है वो फेस यहाँ पर आ गया है। ठीक है, फेस वायर जो है यहाँ पर है, उसके बाद जो हमारा एक वायर जो हमने यहाँ से लिया था वो हमने इसमें अटैच कर दिया कैपेसिटर का। ठीक है, और दूसरा वाला जो हमारा रनिंग का जो दूसरा वाला जो वायर था वो हमने यहाँ पर दे दिया। अभी जो वायर देना है हमें वो क्या है, जो हमारा दूसरा वाला कैपेसिटर होगा वो हमारा होगा स्टार्टिंग कैपेसिटर। ठीक है, स्टार्टिंग कैपेसिटर के कैसे कनेक्शन करने हैं, सबसे पहले हमें क्या है स्टार्टिंग जो कैपेसिटर है उसको ले लेना है। ठीक है, इसके दो वायर है, एक पॉइंट हमें यहाँ पर देना है जहाँ पे दूसरा वाला पॉइंट आया है ये रनिंग वाला कैपेसिटर का, एक पॉइंट हमें इस साइड दे देना है स्टार्टिंग कैपेसिटर का। ठीक है, और दूसरा जस्ट इसके नीचे देना है, ये वाला जो कैपेसिटर आप देख रहे हैं, ये वाला जो वायर है इसके नीचे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, रनिंग कैपेसिटर का वायर हो गया। ठीक है, रनिंग कैपेसिटर का, और दूसरा वाला जो हो गया हमारा स्टार्टिंग का दूसरा वाला पॉइंट ये यहाँ पर गया, एक पॉइंट जो है स्टार्टिंग जो रनिंग का कैपेसिटर जो वायर आया है, एक हमें स्टार्टिंग का इसमें ये वाली जो कॉइल है आपस में अटैच है। ठीक है, तो एक हमें यहाँ दे देना और दूसरा वाला यहाँ पर दे देना। तो यहाँ तक ये दोनों कैपेसिटर जो है इनके वायरिंग हो गई। ठीक है, जो कनेक्शन है उनके हो गए, एक हमने पॉइंट यहाँ दे दिया, यहाँ पे जो फेस आया था हमने यहाँ पर एक जो हमारा रनिंग कैपेसिटर है वो वायर दे दिया। ठीक है, इसी से अटैच कर दिया, दूसरा वाला वायर हमारा यहाँ आ गया, और जो दो वायर है हमारे जो स्टार्टिंग कैपेसिटर के, एक यहाँ पर आ गया दूसरा यहाँ पर आ गया। अब रह गया हमारा फेस,
ये वाला जो है ओवरलोड है, ठीक है, ओवरलोड। यहाँ पे क्या करना, ये वाला जो वायर जाएगा ये हमारा कंप्रेसर की जो टर्मिनल होते हैं कॉमन वाली वहां पे लगेगा, तो हमें क्या करना है यहाँ पर दे देना है न्यूट्रल, ये न्यूट्रल वायर दे दिया, ठीक है। यहाँ पे न्यूट्रल दे सकते हैं, फेस भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये जो थर्मोस्टेट से जो वायर आता है वो वाला वायर यहाँ पर है, और ये वाला जो वायर है ये हमें कंप्रेसर में देना है। अब आता है रिले की, तो रिले जो है वाटर डिस्पेंसर में आप लगाएंगे तो इसी तरीके से लग जाएगी। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।